हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हैं सर? हाँ, मैंने कहा था मैं संतरा से आऊँगी और लाइव आऊँगी, तो मैं आ गई हूँ इस्लामाबाद फ्लैट। बोल न्यूज़, 92 न्यूज़ एंड डेली पाकिस्तान से मेरी बात हुई थी। तो आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट होगी, क्योंकि मुझे रास्ते में रोका गया बहुत ज़्यादा मुमताज़ की तरफ से, और उसकी तरफ वजह से मैं लेट होगी, तो मैं आ नहीं सकी। हाय व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सैली प्ले। व्यूवर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। हाँ, लियाकत के पोल खोला। अब सब देखिए, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि हानिया अब हमारा भी पकड़ना, पकड़ के रखो। कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि हाँ जी, अब कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि हानिया जो वीडियो चल रही है मेरा भी पकड़ो। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हानिया तुम झूठी हो। अगर मैं झूठी हूँ तो स्क्रीनशॉट भी झूठे हैं क्या? वो नंबर भी झूठे हैं क्या? वो नंबर भी सारे झूठे हैं क्या? जो जो नंबर मैंने प्रूफ किए वो नंबर सारे झूठे हैं क्या? ठीक है, अब जितने नंबर मैं दे रही हूँ वो नंबर क्या अमल लियाकत हुसैन का नहीं है? अच्छा, जो मैं वीडियोज़ दे रही हूँ क्या वो अमल लियाकत हुसैन नहीं है? ये हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स जो बने होते हैं इस्लाम के नाम पे लड़कियों को पागल बनाते हैं। और एक्सप्रेस टीवी पे मैं ब्लेम नहीं कर रही, मैं चैलेंज कर रही हूँ एक्सप्रेस टीवी की। आप लोग मोइज़ उमर अदील सूरी, आप लोग पता क्या करते हो? आप लोग लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह अपने, ये जो टिश्यू पेपर होता है ना मास्क जैसे हम लगा के यूज़ करते हैं, इसकी तरह आप अपने होस्ट को पेश करते हो लड़कियाँ, और फिर बोलते हैं कि यूज़ करो और ऐसे मास्क की तरह फेंकते हो। शर्म नहीं आनी, शर्म आनी चाहिए आप लोग। तुम्हें क्या लगता है कि हानिया को तुमने रोका? हानिया रुक जाएगी, सेंटोनियस नहीं आएगी। मैं आ गई, हाँ आने में देर हुई, तुमने बहुत बेगाड़ती की, तुम्हारे ड्राइवर ने बहुत बेगाड़ती की। मेरा मोबाइल चोरी करवाया, मेरी फैमिली को धमकियाँ दी, मेरे भाई को कत्ल करवाने की धमकियाँ दी, मेरे बाप को धमकियाँ दे रहे हो, पुलिस भेजेंगे घर में। पुलिस भेजनी है? कौन सी पुलिस भेजनी है? मैं इमरान खान से सवाल करती हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर से, क्या आपने ऐसे बनाए हैं अपने वजीर बनाए हैं, MNA बनाया जो कभी हरीम शाह पहुँची होती है पार्लियामेंट हाउस में, कभी हानिया खान पहुँची होती है? ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? पूरी मीडिया मेरी आवाज़ मांग रहा था, पूरी मीडिया बोल न्यूज़ वाले मुझे कॉल करके बार बार कह रहे हैं हानिया आपका इंटरव्यू चाहिए, आप कहाँ हैं सब? एयर वाई न्यूज़ वाले कह रहे हैं मुझे, सब चैनल वाले कह रहे हैं, एक्सप्रेस टीवी, आप लोगों को चेहरा तो मैं बेनकाब ना किया तो मेरा भी नाम हानिया नहीं है। आप लोग साथ दे रहे हैं अपने हॉस्ट का, आप लोग साथ दे रहे हैं अपने प्रेजिडेंट का, आप लोग साथ दे रहे हैं अमल लियाकत हुसैन का। क्यों? इंडिया में जब आशा ने सुसाइड की पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया, मैंने 5 टाइम सुसाइड की, मेरी सुसाइड किसी को नजर नहीं आ रही, क्यों? कब तक लड़कियों के साथ ऐसा होगा? कब तक लड़कियां टिश्यू पेपर की तरह चुप रहेंगी? अब ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझ आई? प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम, मरियम नवाज मैम, अगर आप मुझे देख रही हैं मैम तो मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे कुत्तों के, जो कुत्ते अमल लियाकत हुसैन जैसे होते हैं, जो अपनी बीवी को निकाह करके उसके बाद कहते हैं कि ये मेरी बीवी नहीं है, अगर तुम कहते हो ना बीवी नहीं है तो तुमने फिर निकाह के क्या झूठा किया था? फिर वो ड्रामा किया था वो साहब, जो मैं स्क्रीन शॉट बुला तो मैं दिखाया, जो तुमने मुझे बुलाया एक्सप्रेस टीवी पे, वो क्या था साहब? वो क्या था? वो स्क्रीनशॉट जो मैं भेजी हूँ, जो मैंने एक्सप्रेस टीवी का बताया तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया, वो सब क्या था? अदील सूरी और मौज़ उमर तुम्हारे साथ मिले हुए हैं, वो सब क्या है? तुम लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है? हानिया पागल है, हानिया पागल है। तुम लोगों ने मुझे 3 मंथ तक कैद करके रखा, ये मेरे निशान देख सकते हैं सब लोग। अचानक तू मर्डर करवाया मुझ पर, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या सितम नहीं मुझ पर किया, क्या क्या जुल्म नहीं किया, फिर भी हानिया चुप रही? हानिया फिर भी बोलेगी, हानिया पूरी दुनिया को बताएगी। रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, क्या कहा था तुमने? तुम्हें मैं बंद करूंगा, तुम बोल नहीं पाओगी, तुम बाहर नहीं जा पाओगी। देखो आज मैं आज़ाद हूँ, अभी मैं लाहौर भी जाऊँगी, मैं कराची भी आऊँगी तुम्हारे पास, और मैं एक्सप्रेस टीवी वालों के पास जाके पूछूंगी, बोलो कुत्तों सच बोलो, प्रेसिडेंट बनाया ऐसे इंसान को? जो इंसान प्रेसिडेंट तो क्या किसी के पाँव के जूते ही बनने के लायक भी नहीं है। मेरा मोबाइल, जो मोबाइल से मैं लाइव आई हूँ ना, ये मोबाइल गिफ्ट है, मेरे मोबाइल में करके दो, प्रूफ चाहिए ना? अभी प्रूफ दिखाते हैं, सब करो तुम कुत्ते, तुम जैसे कुत्तों पे ना थुकने का दिल नहीं करता, और मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड बनाया कुत्ते बेगैरत। ये वो मोबाइल है जो पहले मेरे पास था कराची में, मैं रानी, जिस सेट पे मुझे सब ने समझाया, सैयद वसीम तमरेजी ने समझाया, शाजीन ने समझाया, सुमैया बख्श ने समझाया कि हानिया ऐसी कोई गलती ना करना, डॉक्टर अली काजमी ने मुझे हमेशा समझाया कि हानिया तुम अभी छोटी हो, बच्ची हो, ऐसे मत करना। मीडिया में बहुत फ्रॉड लोग हैं, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी मैंने, मैंने अपनी मर्जी की। आज मैं भूत रही हूँ अपनी मर्जी का नतीजा, मैं मीडिया की होकर 3 मंथ मैंने कुत्ते की तरह जलील हुई,
अपने घर में, अपने घर वालों का मैंने जान खतरे में डाली। क्यों? क्योंकि मैं गरीब फैमिली से हूँ, तारक की बेटी हूँ, ड्राइवर की बेटी हूँ, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं चुप नहीं रहूंगी। आमर उलखत, आमर लखत हुसैन, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारा का हस्बैंड हूँ, उतने आपने तुम्हें बताती हूँ। अब मैं नाज़रीन आप लोगों के सामने पूरी आवाम के साथ ऐसे प्रूफ शेयर करने लगी हूँ जो कि देख के इसकी ज़मीन हिल जाएगी। सॉरी आमर लखत, अब बताना ज़रूरी हो गया क्योंकि मैं झूठी नहीं। तुम जैसे कुत्तों के साथ ऐसे करना चाहिए। ये मोबाइल वीवो, ये मुझे गिफ्ट किया था ओमर, तुम्हारा नाम भी मुझे सही नहीं आया, अमल लखत हुसैन है, डॉक्टर अमल लखत, जो कि एक इस्लामी स्कॉलर और सैम रमज़ान की ट्रांसमिशन में मसरूफ है। जिन्हें पता ही नहीं है हानिया की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। बात करना तो दूर की बात, हानिया को एक फ़ोन करके नहीं पूछा कि हानिया तुम कैसी हो, ठीक है। तो ये मुमताज़ साहब का सीएनआईसी नंबर, मैं सीएनआईसी नंबर बताती हूँ आपको, ये है। अभी स्कूल जा रही हैं, सॉरी, मुमताज़ का नंबर है 8608560591844131 और कॉन्टैक्ट नंबर है 0332522281 मुमताज। आप मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है, अभी इसमें बार बार फ़ोन आ रहा है क्योंकि मेरी ज़बान बंद करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रूफ देती हूँ। बोल न्यूज़ कहाँ है आप लोग? आप लोग कभी तक नहीं पहुँचे, मैं थोड़ी ज़रा लेट होगी थी। ये देखें 8608560591844139 वीवो मोबाइल फ़ोन स्टोर जो मैंने शेयर किया। हाँ, ये सबसे बड़ा प्रूफ। ये वॉइस मैसेज, ठीक है। और मैंने सारे बहुत सारे प्रूफ, ऐसे प्रूफ जो मैं क्या कहता है मैं जानता नहीं हूँ। तो अगर जानते नहीं तो मेरे बाप के साथ बैठ के खाना क्यों खाती रहे, हमारे घर क्यों आती है, मैं वो पिक्चर चेक करती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कैमराज की पिक्चर है, ठीक है, ये कैमरे की पिक्चर है, ठीक है, कैमराज की पिक्चर है, ये कैमराज की पिक्चर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पार्लियामेंट लॉजिक्स की पिक्चर, जहाँ पे मैं जाकर नाइट स्पेंड करती थी रातें आमिर लखत हुसैन के साथ, क्योंकि उसने तो टिशू पेपर समझ के मुझे यूज़ करना था और मैं पागल बन रही थी। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रूफ देती हूँ, ये मेरी बहन सफ़ा के साथ पिक्चर है आमिर लखत हुसैन की, ये है पार्लियामेंट हाउस में, ओके। हानिया जुची है, जो लोग मेरे अगेंस्ट न्यूज़ चला रहे हैं मैं उन लोगों को मुँह तोड़ दूँगी। कुत्ते के बच्चों, अगर लड़की को इंसाफ नहीं दिला सकती तो लड़कियों के खिलाफ न्यूज़ मत चलाओ। आमिर लखत हुसैन का असली चेहरा पूरी दुनिया देखेगी। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रूफ देती हूँ, ये है मैं हूँ और ये है नूर और ये है मरवा, ठीक है। ये है पार्लियामेंट लॉजिक्स की पिक्चर्स, इमरान खान साहब, ये आपके MNA हैं PTI के करतूत, जितनी पार्टीज उनके अगेंस्ट है सब आवाज़ उठाए हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या कह रहे थे, मैं जानता तक नहीं हूँ तारक साहब, ओके। अब ये पिक्चर्स हैं व्हाट्सएप इमेज, ओके, व्हाट्सएप पे आए हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ व्हाट्सएप की पिक्चर्स, ये देखिए जी, जो हमने बनाई थी। ईमान आप आई हैं प्लीज़, आमिर लखत हुसैन के साथ मेरा क्या रिश्ता है पूरी दुनिया को बताओ। जिस टाइम निकाह हुआ था उस टाइम कौन था मेरे साथ? ऊँचा सा बोलो। जब आपका निकाह हुआ था तो मैं थी। ऊँचा बोलो, ऊँचा बोल रहे हो ना, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हें। जब आपका निकाह हुआ था आमिर लखत से तो मैं थी आपकी। जब मेरा निकाह हुआ था आमिर लखत हुसैन के साथ तब ये बच्ची थी,
एक ही गवाह थी, मैं मिलने के लिए गई थी तो उसने बुलाया था, तब ये थी। तुम हमें अगेंस्ट कर रहे हो इस बच्चे की, तुमने उनको फौरन से फायर किया जाए और उनकी कीज उनसे ली जाए, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को बुलाया जाता है और टिश्यू पेपर की तरह जूस करके फेंका जाता है। अगर मैं झूठी हूँ तो मेरी पिक्चर्स क्या कह रही हैं वहाँ पर, मैं पहुँची कैसे हूँ पार्लियामेंट लॉजिक पे, और वहाँ पर तो पहले एंट्री होती है तो सब वो आप निकलवाएं। और ये 4-5 को तो इसका इजलास हो रहा था, जो आपको ये कह रहा था आपसे मिला, जब जो जब इसने नात पढ़ी थी एक सामने में, आपको याद होगा इसने एक नात पढ़ी थी एक सामने में, तब भी मैं इसके साथ रिलेशनशिप में थी, वहाँ पे मैं आती थी, मैंने इसके साथ एक वॉइस कॉल पे बात की थी बैठ के, सैयद मुख्तार के साथ इसने बात की थी, वो मेरे पास रिकॉर्ड ने अपने नाज़रीन अपने सब मीडिया को अपनी पूरी दुनिया को वो रिकॉर्ड सैयद मुख्तार उसके बेस्ट फ्रेंड का सुनाना चाहूँ। जी तो ये थी वो वॉइस कॉल जो मेरे सामने की गई थी सैयद मुख्तार। सैयद मुख्तार तुम जैसे बेगैरत कुत्ते इंसान होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करते हैं तो लड़कियों के साथ ऐसे ही नाइंसाफ़ी होती है। आई एम सॉरी टू से तुम एक गोल्ड ब्रिज क्या नाम है तुम्हारे प्रोडक्शन का, अनाउंस नहीं करना चाहूँगी, उनके ऑनर हो ना, तो मुझे तो बोलते हुए हल्ला डर लगना चाहिए, आने को काम नहीं मिलेगा। ओ माई गॉड, मैं किसके अगेंस्ट बोलने जा रही हूँ, माई फुट। तुम जैसे कुत्तों के अगेंस्ट बोलना चाहिए, कुत्ते के बच्चे। तुमने मुझे, मैंने तुम्हें सच बताया और तुमने मेरी हेल्प करने के बजाय मुझे ब्लॉक किया, माय फुट। तो तुझे अपने जूती पे भी नहीं लिखते, ड्रामे की मुझे ज़रूरत नहीं है, समझ आई? अल्लाह की ज़्यादा तारीफ देने वाली तू जैसे कुत्ते नहीं है, ठीक है? अब मैंने बता दिया सैयद मुख्तार आपके बेस्ट फ्रेंड की करतूत, और आपको ये कॉल की गई थी और आप कह रहे, आपको बुलाया जा रहा था शो में, अदील सूरी से आपको कॉल करवानी थी, आपका इंटरव्यू होना था, और ड्रामे के बारे में क्या, कौन सा ड्रामा था, मरा पीस सही रखे, हाँ ईमान आपके सामने आ, बस कर दो, नहीं जाओ दो मिनट, हाँ ये मेरे भाई, बस कर दो ना प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट था बस कर दो ना एक्सप्रेस जो कि ईद पर चलना है, और सैयद मुख्तार की मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, पूरी दुनिया से अपील करूँगी कि वो आमर लियाकत हुसैन का प्रोजेक्ट बंद करवा दिया जाए, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो प्रोजेक्ट चला जाए, और सैयद मुख्तार भी इस काबिल नहीं है कि वो प्रोजेक्ट उनका चला जाए, और एक्सप्रेस टीवी फ़ौरन से बंद किया जाए। अगर बंद नहीं किया जाता तो मुझे हानिया को इंसाफ दूँ। मैंने पहला प्रोजेक्ट महरानी एक्सप्रेस टीवी का किया था, जो कि कीरम मैम ने और सैयद मुख्तार ने नहीं मुझे दिया, बीजे प्रोडक्शन ने वो मुझे दिया, ठीक है? तो अब मुझे कोई डर नहीं है, मैं खुल के बोलूँगी, पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ बताऊँगी, जो रोक सकता है रोक ले, ठीक है? तो मैंने अपनी वीडियो बना ली, पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ बता दी, जो जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं मैंने सबको बता दिया, ये हूँ अपने बैग के साथ, हाँ अकेले बिल्कुल यहाँ पे खड़ी हूँ अपनी दोनों बहनों के साथ। तो आमर लियाकत हुसैन साहब जी, अगर आप मुझे कत्ल करवा सकते हैं तो करवा दें, मैं तो यहाँ पे खड़ी हूँ। आपने कितनी धमकियाँ दी, आपने क्या बोला था कि आज आप बाहर घर से निकल नहीं सकते, ठीक है? देखो मैं बाहर निकल के खड़ी है, हानिया बोल दिया सच, अब आप क्या कर लोगे, अब आपका क्या नेक्स्ट क्या ट्वीट करोगे, नहीं नहीं बल्कि क्या लाइव वीडियो बनाओगे? अल्लाह, हानिया तो साइको है, मैं हानिया को जानता ही नहीं हूँ, हानिया कौन है? तुम तो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे इंसाफ चाहिए, ठीक है? अगर आप मुझे इंसाफ नहीं दे सकते तो आप एक ट्वीट कर दें कि मैं किसी भी लड़कियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, ठीक है? फिर आप मेरे ख्याल में आपको ना अपनी चेयर पर बैठने का कोई हक नहीं है। अगर आप लड़कियों के लिए, आपने क्या नया पाकिस्तान बनाया था, नया पाकिस्तान इसलिए बना था कि लड़कियों को जलील करने के लिए बनाया जाए? मुझे इंसाफ चाहिए, हानिया को इंसाफ चाहिए, और आप दिलवाएंगे, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है।
क्योंकि मुझे ब्लैक मेल किया जा रहा है, मेरे फादर को ब्लैक मेल किया जा रहा है, मुझे 3 महीने पागल किया जा रहा था, मुझे पागल खाने भेजा जा रहा था, मेरी पूरी सिस्टर्स को धमकियाँ दी जा रही, इसलिए मुझे अपनी पूरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी चाहिए। चले अब मैंने पूरी दुनिया के साथ बता दिया, आप पूरी दुनिया में आवाज़ सुन चुकी है, अब मेरे ख्याल में मुझे लाइफ नहीं आने की जरूरत, अब मुझे बंद कर देना चाहिए। सेंटोरियस चलो, तो पूरा सेंटोरियस दिखाओ, घूम के दिखाओ कि मैं सेंटोरियस में हूँ। चलो बैक।